हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटरब। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करें, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लेइंग पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। काफी ज्यादा तड़प है और गुस्सा या जो भी है, मतलब इमोशंस चाहे कुछ भी हो जाए, ये पर्सन है ना आपकी तरफ आने वाले हैं एट द अर्लीस्ट। कुछ लोग केसेस में ये 2 दिन हो सकता है, कुछ लोगों में 7 दिन हो सकते हैं। तड़प है, गुस्सा है, जेलसी है, इनसिक्योरिटीज है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है अपने अपने हिसाब से। मतलब एक होता है ना कि जैसे आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं लेकिन जिस तरह से आप नज़रअंदाज करे हो, इग्नोर करे हो, ये वो सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कर रही है कि समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। गुस्से में आकर आपसे बात करना चाहते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली। दूसरी चीज़ है, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो डेफिनेटली फीलिंग रोमांटिक अबाउट यू बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्हें आप अपनी लाइफ में वापस चाहिए। आपकी आवाज़ सुननी हो, आपको देखना हो, हर चीज़। ट्रिपल वन की एनर्जी है, ट्रिपल वन हो सकता है कि आपको ट्रिपल वन एंजल नंबर बार बार दिख रहा है बहुत ज्यादा। नई शुरुआत, न्यू मून, एक ऐसी इमोशन से गुजर रहे ना कि जहां पे ना सब कुछ जिसे खत्म होके नए सिरे से शुरू हो रहा है, कुछ खत्म हो रहा है उनकी लाइफ में। ख़त्म इन द सेंस की इंतज़ार, पेशेंस, वो भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि ये इंसान जिस तरह से पेशेंस रखे हुए है ना कि बहुत मन कर रहा है बात करने का, और जो भी है गुस्से से हो या किसी भी इमोशंस क्लियर करना हो, बहुत मन करता है, लेकिन जिस तरह से पेशेंस रखे हुए हैं, कंट्रोल किए हुए है ना, वो भी ख़त्म हो सकता है। कि एक वक्त आता है ना कि अपना इंसान के पर काबू नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता। इनकी स्टॉकिंग एनर्जी है, ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं, ये दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बार बार फ़ोन चेक करते हैं कि आपका कॉल मैसेज आया है कि नहीं, या फिर आपकी शायद ना कोई प्रोफाइल स्टोरीज कुछ तो है, कहीं तो चेंज आया होगा, कुछ तो नया चीज़ की होगी, कुछ तो है अपडेशन, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। तो अगर नहीं भी है, अचानक से डीपी गायब हो गया है, प्रोफाइल चेंज है, तो ऐसा क्यों है, वो चीज़ है। क्योंकि नो कॉन्टैक्ट जोन तो आप में है, मतलब एक भले आप कॉन्टैक्ट में है, बातचीत होती है, हो रही है थोड़ी बहुत सही, बट फिर भी हार्ट से ना काफी ज्यादा बन रहे हैं। हार्ट हर चीज में छोटे छोटे हार्ट्स बन रहे हैं। ये जैसे कह रहे हैं ना कि तेरे बिन कैसे जिया तेरे बिन वाली फीलिंग आए, फिर वो लड़की भी हो सके, बट समाओ वाली चीज़ है कि कैसे तेरे बिन वो मतलब फील हो रहा है कि जैसे आपके बिना ना सब कुछ अधूरा सा, खाली सा, या फिर होते हुए भी नहीं सा। ए इनिशियल हो सकता है इनका, आई हो सकता है, वी हो सकता है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस की तरफ इनका इशारा बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्स की तरफ से। स्पिरिचुअल अवेयरनेस कहीं तो है, मतलब कि यूनिवर्स बार बार इनको कोई चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि स्पिरिचुअल थिंग्स पे ऊपर, कि रिश्ते क्या होते हैं, यही पर्सन क्यों, ऐसा क्यों, ये लोग हमारे ज़िंदगी में क्यों आते हैं,
क्यों होता है, क्या होता है, या फिर हमारे लाइफ में ऐसे अगर लॉसेस की फीलिंग है तो वो क्यों है, ऐसा कुछ शायद उनके सामने कुछ तो आ रहा है कि कोई तो बात कर रहा हो दोस्तों यार में, या फिर अचानक से कोई रील सामने आ रही है, या फिर या कहीं पे भी लिख पढ़ने में देखने में कुछ तो ऐसा आ रहा है। अगेन बहुत लोगों के केसेस में और बहुत ये चीज़ में इन्होंने अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, कर चुके हैं, इससे ज़्यादा कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। या तो ये बातें आपको बताना चाहते हैं, या तो ये आपको ना आपसे छुपा रहे हैं, दो चीज़ें, मतलब ये बातें अभी तक आपके सामने खुल के नहीं आ रही हैं, या तो बताना चाहते हैं लेकिन आप सुनने के मोड में नहीं है, या फिर ये ना छुपाना चाहते हैं। कि जैसे कुछ लोग का होता है ना कि आप तो सुना ही डालेंगे कि देखा मैंने कहा था ना कि ऐसा मत करो फिर ऐसा हो जाएगा, तो वह चीज़ है। मुझे लगता है ना ये कर्मा वाली एनर्जी है ना, ये टिल एटेड पोर्टल या इस पूरे मंथ चलती रहेगी, क्योंकि ये पोर्टल ही ऐसा है, उसका इफेक्ट अभी से शुरू हुआ है, और ये मतलब बार बार सुनने ही मिलेगी आपको कि कर्मा की एनर्जी है कुछ तो सही, क्योंकि ये इंसान अपनी कार्मिक साइकिल एंडिंग नहीं कर रहे हैं, बार बार यही फील हो रहा है, तो वो चीज़ कर्मा तो है, कर्मा तो है, कहीं ना कहीं एहसास तो है कि इन्होंने इट्स नॉट अबाउट आप के साथ ही गलत किया है, ये सिर्फ आपके साथ का नहीं है, हर चीज़ का, मतलब किसी इंसान के साथ कर्मा पूरा होना हो, या फिर किसी सिचुएशन में कर्मा मतलब पूरा होना हो, वो भी हो सकता है। 0 नंबर है लेकिन एक वर्ल्ड की एनर्जी, लाइक कार्मिक साइकिल एंडिंग की एनर्जी है। अगेन इनकी समझदारी या इनका एक्सेप्टेंस नहीं होता ना, तो बहुत ये चीज़ होती है कि भाई ये कार्मिक साइकिल एंड नहीं कर पाते, इसके लिए तो वो रिपीट होते हैं, ये आपके साथ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी की तरफ इनकी एनर्जी ऐसे है ना, स्पेशली अगर कोई पर्सन है, मतलब कोई पर्सन है उनके लाइफ में थर्ड पार्टी, एज अ थर्ड पार्टी, तो ऐसा है ना कि उनको ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं या तो उस रिश्ते को ठीक करने की, या तो थर्ड पार्टी है ना वो इस रिश्ते में ना अपना वो एक वजूद खो चुके हैं, लाइक ना वो नहीं चाहती कि अगर मतलब चाहिए तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, या तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा वाली चीज़ है। और थर्ड पार्टी ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं नज़र आ रहे, पता है तभी या नहीं पता हो, एग्जैक्टली उनको नहीं पता कि शायद आप हो, या फिर एग्जैक्टली पता हो तभी भी, बट आपके लिए इनसिक्योर होते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी में ना आपका एहसास है, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपका ना वजूद है उनमें, मतलब एक एहसास है ना जो छुपाया या मिटाया नहीं जा सकता, उस बात को थर्ड पार्टी नोटिस करी है। जे इनिशियल हो सकता है इनका, जीरो नंबर, सेवन नंबर, टू नंबर काफ़ी ज़रा प्रमानेंटली फील हुए, टू नंबर तो एकदम काफ़ी अच्छे से आए, और अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से आपको पिकॉक कहीं ना कहीं दिख रहे हैं समान, और पिकॉक, हाँ पिकॉक की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पिकॉक इनके लिए भी कहीं ना कहीं एडवाइस ऐसे आ रहा है ना, एडवाइस जिस अगर ठीक करना है सब कुछ तो हीलिंग फोकस, हीलिंग पे फोकस करो, ऐसा
ये टेन ऑफ कप्स का कार्ड मुझे रिफ्लेक्ट हुआ था अचानक से, टेन ऑफ कप्स। जैसे कहा ना, हीलिंग फोकस, किंग ऑफ कप्स, द हैंगमैन। स्पिरिचुअल अवेयरनेस कहीं ना कहीं इनकी तरफ है और उनकी लाइफ में ना जैसे सब कुछ या तो रुका हुआ सा या तो खो सा, खोने जैसा एहसास है, खोने जैसा है, सब कुछ ठीक रहे। ये बहुत कोशिश करे, स्ट्रगल करे ठीक करने की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना अचानक से फिसल रही है या तो बिगड़ रही है और ये नहीं समझ पा रहे हैं। और आपकी कमी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बार बार ऐसा फील हो रहा है ना कि इस मुश्किल के घड़ी में आप क्यों नहीं हो, भले आपकी बात हो रही है जो भी, आप कैसे नहीं हो, आप क्यों नहीं हो, वो फील नहीं हो, समझ नहीं आ रहा एक्चुअली। और है तभी भी फील नहीं हो रहा है कि आप साथ हो पहले की तरह। और ये अगेन शायद ये बीमार है, पॉसिबल है ये बीमार है। और काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से ना हेडेक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ टेंशन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन, कि बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट रिलेशनशिप, ओवरऑल लाइफ के बारे में इनका चल रहा है। इसके लिए तो हर डायरेक्शन आपकी तरफ मूव होती है कि कहीं ना कहीं कुछ अधूरा था, इसके साथ गलत किया, शायद उसकी वजह से हो, या फिर ये नहीं है ना तब ऐसा हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें, ओवर थिंकिंग बहुत है। और थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है ना कि इनकी जो मुश्किल हालात में है या इनकी जो तकलीफ में है, थर्ड पार्टी अगेंस्ट है, मतलब टोटली, या तो अपनी दुनिया में, अपनी धुन में है, तो इनको साथ सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। ये फिर भी उस रिश्ते में या उनको रिझाने में, मनाने में, या सिचुएशन ठीक करने में, ना फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें ठीक करने लगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इनका जो झुकाव है ना वो आप ही की तरफ आ रहा है, आप ही की तरफ आ रहा है। इमोशन से भर रहे हैं और सब कभी गुस्सा हो जाता है, कभी तकलीफ में आ जाता है, कभी डर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा लग रहा ना कि एकदम अचानक से इनकी एंट्री होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अचानक से। और ये जैसे कहा ना, एक नई शुरुआत तो है एस ऑफ कप, और ये इमोशंस के साथ ही आएंगे, प्योर इमोशंस के साथ ही आएंगे, प्यार भरी शुरुआत करने ऐसे एस ऑफ कप, प्यार भरी शुरुआत करने के ही आएंगे। हीलिंग पे फोकस कीजिए, हीलिंग, वरना वो चीज़ें ना रिपीट होती है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।